प्रशासन कितने भी दावे कर ले बच्चों की सुरक्षा के लिए, लेकिन बुरी सोच रखने वालों से बच्चियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं, जिसे हम देवी का रूप मानकर पूजते हैं। उन्हीं के साथ आए दिन छेड़छाड़ व बलात्कार जैसा घिनौना कृत्य किया जा रहा है। गांव में तो स्थिति और भी खौफनाक है। इसका ताज़ा उदाहरण मोहनगढ़ थाना के ग्राम हतेरी का है। यहां 16 वर्षीय नाबालिग लड़की अपने घर पर अकेली थी। माता पिता खेत पर ईंट भट्टा लगाने गए थे। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर गाँव का ही बप्पू पिता सूरज यादव ने लड़की को डरा धमका कर बलात्कार किया और जाते समय धमकी दी कि अगर इसका जिक्र अपने परिजनों से किया तो उसे जान से मार देगा। आरोपी के चले जाने के बाद लड़की ने अपने पिता को फ़ोन पर सारी घटना की खबर दी, जिस पर पिता और पुत्री ने मोहनगढ़ थाने में बब्बू यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपी खुलेआम घूम रहा है और मामले में राजीनामा करने का दबाव बना रहा है। मोहनगढ़ से अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। अभी तक साहब कोई पकड़ा धकड़ी नहीं हो रही, खुलेआम गांव में घूम रहे हैं और खुलेआम और हमको धमकी भी दे रहे हैं कि यदि तुमने रिपोर्ट कर दी ना तो अब तुम्हारी जान के लिए खतरा है, तुम नहीं बचोगे हमारे हाथ से। अभी तो साहब सूचना तो करी थी हमने, लेकिन अभी तक साहब कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनाई नहीं हो रही। ग्राम हतेरी निवासी एक नाबालिग लड़की के साथ दिनांक 24/5/19 को रात्रि में करीब 8 बजे उसके घर पर सूनेपन का फायदा उठाकर, जब उसके माँ पिता अपने खेत खलिहान में थे, ग्राम का ही आरोपी बब्बू यादव निवासी हतेरी के द्वारा उसके साथ जबरन जना किया गया। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना मोहनगढ़ में अपराध क्रमांक 133/19, धारा 450, 376, 504 आईपीसी एवं चूड़ी हरिजन परिवार से संबंधित होने के पीड़िता हरिजन परिवार से संबंधित होने के कारण धारा 3125 SC/ST एक्ट एवं नाबालिग होने के कारण 3/4 पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचनामय किया गया है। प्रकरण के आरोपी की तलाश पतासाजी की जा रही है। आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर न्यायालय